चित्रा क्यों कर आई, कौन बात प्रगटी जिए माही। चित्रा जी कहो कहा बात है। हे राशेश्वरी, हे सर्वेश्वरी भाव मई श्री राधे, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। मैं यशोदा जी को वचन दे के आई ही कि मैं आपके लाला श्री कृष्ण को चित्र बनाऊंगी, परंतु श्री राधे मोपे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को चित्र नहीं बनवे में आ रहे है। बहुत परिश्रम कर रही हूँ पर चित्र मोपे बने ही नहीं है। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे ऊपर कृपा करें, आप आशीर्वाद प्रदान करें या सो मैं उनको चित्र बना सकूं। चित्रा जी अभी तक या संसार में कोई ऐसा उत्पन्न नहीं भयो है कि जाने मेरे प्रियतम श्याम सुंदर को चित्र बनायो हो अथवा बनाए सके हैं, किंतु आप जब मेरी शरण में आई हो तो मैं आपको अवश्य आशीर्वाद दूंगी कि आप मेरे प्रियतम श्याम सुंदर को चित्र सहज में ही बना लोगे। और मैं आपको एक आशीर्वाद और भी दूं कि आज से ही आप मेरी अष्ट सखी में स्थान प्राप्त करोगी और रास विलास में सेवा करोगी। राधे तेरे चरणों की रज झूल भी मिल जाए, समर्पण
राधे को आशीर्वाद प्राप्त भयो और सहज में ही श्री कृष्ण को चित्र बन गयो। कितना सुंदर चित्र बैठी चित्र बनाए सहज ही ओ मनाए। सुंदर चित्र है मैया को दो सी असुरा मैया हार दो चली बहुत मैया। प्रणाम मैया। प्रसन्न रहो चित्र बनाए लाई। हाँ मैया मैं आपके लाला को चित्र बनाए दिखाइयो। थोड़ा ज्यादा परिश्रम करना पड़ो पर बना ले। अरे चित्र तो बड़ो ही सुंदर बनायो है आपने। मेरे को भी यहाँ देखेगा तो बहुत प्रसन्न है जाएगा। दिखाओ ना। हाँ मैं अपने लाला को बुला के दिखाऊं। अरे कन्हैया ओ कान्हा बैठे हैं ना। हाँ बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है। अरे देख तेरा चित्र कितना सुंदर बनाया है। ये नहीं बनाया। हाँ इनने ही बनाया है। अब तू प्रसन्न है ना। हाँ भैया मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भैया उस चखाओ बहुत प्रसन्न है चाहे। हाँ जब तू प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। चित्रा जी आज मेरे कन्हैया अपने चित्र को प्राप्त करके कितना प्रसन्न है रहे हो है। और जब मेरे लाला प्रसन्न है तो मैं भी प्रसन्न हूँ। तो आप यह चित्र बनाए के उपलक्ष्य में आप मुझसे कुछ मांग ले हो। कहा मांगू भैया। माँ सरस्वती की कृपा सो उनके आशीर्वाद सो सर्व प्रकार को आनंद है। कोई वस्तु की कमी है नहीं। बस आपको आशीर्वाद मिल जाए वही बहुत है मैया। नहीं वह तो ठीक है परंतु मेरी प्रसन्नता के लिए कछु वस्तु अवश्य मांग ले मैया। हाँ, मैया आप कह रही हो मेरी प्रसन्नता के लिए जो वस्तु मैं आपसे मांगनो चाहूँ ना मैया वह वस्तु मुझको मिलेगी नहीं। मेरा माँ व्यर्थ जाएगा या सो मैं नहीं मांग रही हूँ। आप रहने आशीर्वाद दे दो मैया। आप कैसी बात कर रही हो। आप कोई वस्तु मांगो और मैं ना कर दूं ऐसा ना होगा। आप मांगे तो देखो। बार बार हट कर रही हो मांग के देखो। मांग लो। हाँ हाँ अवश्य। तो आप पहले मुझको वचन दे दो ना फिर मांग लूंगी मैं। वचन। हाँ ठीक है तो मैं तुमको वचन दूं। तुम जो वस्तु मांगोगी मैं दूंगी दूंगी अवश्य दूंगी। मांग के तो देखो। भले है मैया बड़ी कृपा मई हो आप। आपने मुझको वचन दिया मैया जो वस्तु मैं आपसे मांगूंगी आप मुझको वही वस्तु प्रदान करोगी। हाँ आपने मुझको वचन दिया फिर वो विश्वास नहीं है रहे हो कि वह वस्तु मुझको प्राप्त है जाएगी। वचन दियो है और आप हट कर रही हो मांग ले हो तो मैं मांग रही हूँ। संसारी वस्तु मुझको कछु नहीं चाहिए। जो चाहिए वह नहीं संसारी वस्तु की कामना ही नहीं है।
सब प्रकार को आनंद है, माँ सरस्वती को आशीर्वाद है, पूर्ण कृपा है। एक वस्तु की कमी, वह वस्तु मैं आपसे मांग रही हूँ, वो वस्तु मिल जाएगी और कोई कमी रहेगी ही भी नहीं मोकू मैया, और वो कमी आप ही पूरी कर पाओगी। तो मैया संसारी वस्तु में ना मांग के मैं आपसे मांग रही हूँ, आप मोकू मैया अपने लाला कन्हैया को दे दो। मैया नहीं नहीं मैया, दूर है गया तो ये मेरे प्राण नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। लाल समान जो वस्तु को जग में दिखे तो दूसरी वस्तु दिख रही है तो आप मुझसे मांग ले, हरे बेवा वस्तु को दो गुनी चौगुनी सागुनी करके तुमको दे दूंगी, परंतु मेरे कन्हैया मुझसे दूर नहीं नहीं। भैया हे करुणामयी यशोदा तो मिलो न्याओ हे करुणामयी यशोदा आप कह रही हो कि कोई दूसरी वस्तु मांग लो, आप ही न्याय करके बताओ। सोचो मैया, आपके लाला के समान या संसार में दूसरी कोई वस्तु है? आपको दिख रही हो तो आप दे दो, मुकु तो दिख नहीं रही कि आपके लाला के समान या त्रिलोकी में विश्व में कोई दूसरी वस्तु होगी मैया? नहीं है मैया, आपके लाला के समान तो आपके लाला ही है, पर न्याय करके बताओ मैं दूसरी वस्तु कहां मांगू आपसे? मैं चेरी तेरी, मैं चेरी तेरी, पहलू पहलू मां
आयो भागे पड़े धन मन मोहन पायो भाग्य बड़े प्रति समय की अंतिम लकुटिया प्रति समय की अंतिम लकुटिया मत छीने नहीं रहूंगी चित्रा। आपने मुकुल भैया से मान लिया है, वैसे तो मैं सदा अपने भक्तन की आधीन हूं, किंतु आपकी यदि मैया से मांग है तो ये समझ लियो कि मैं तो आपके हाथ बिक गया हूं। सखी में बिक गयो तेरे हाथ प्रीत तेरी वो मन प्रेम सान जन की
आँखी में बिसरो तेरे भाव नित तेरी कोमल भाव। जब आपने मुकु मैया से मांग ही लियो है तो फिर विलंब का, चलो मैं आपके संग चल रही हूँ। नहीं, मेरे कन्हैया को मत ले जाओ, मैं आपकी बांह पकड़ रही हूँ, मत ले जाओ मेरे लाला को। चित्रा जी, चित्रा आप मैया की दशा देख ही रही हो और मैं आपसे सत्य कह रही हूँ, जब से मैंने आपको स्वप्न में दर्शन दिए हैं तब से मैं आप ही के समीप में तो रहूं और फिर रहूं। आपकी सांत्वना के लिए मैं आपको वचन दे रहे हूं कि एक रूप से तो मैं मैया के समीप में रहूंगा और एक रूप से मैं सदैव आपके समीप में रहूंगा। मूल भक्ति वत्सल भगवान आप मैया को क्योंकि मैया को मैं इतनी व्याकुलता मैया की हरी में नहीं देख सकूं, आप समझाओ। मैया आप अपने हृदय में इतना दुख प्रकट मत करो, इतनी अधीर मत हो मैया, धीरे धारण करो। मैं आपकी लाला को ना ले जा रही, आप अपने लाला को अपने समीप ना ले जा रही। ना ले जा रही भैया, मैं तो आपकी हंसी कर रही और आप हंसी में ही ऐसी रो भी लग गई, इतना रुदन कर भी लग गई आप। हंसी कर रही? हाँ मैया। अरे ऐसी कहा हंसी, जामे मेरे प्राण ही निकल गए होते। अच्छा मैया, अब मैया मैं जाऊं और हाँ, सेवा बता दे मैया। बस भगवान बड़ी कृपा करी, एक सेवा में निहाल हैगी, अब कोई सेवा होगी ना तो ना बताऊंगी तुमको, पधारो। बस ना बता, आपको चित्र बना के लाना ना, अब ना बनवाना। कैसे जा रहे हो, कुछ लग गया उनके संग? कौन जा रहे हो? हाँ कौन भेज रहे हो, कोई जा रहे हो? नीला का समय ठीक 6:30 बजे थी और कल श्री राम लीला में हम दर्शन करेंगे, बहुत ही मार्मिक प्रसंग। आइए श्री राम सुंदर की आरती करेंगे। श्री रामा भैया आइए, उनके लिए कन्हैया ने चित्र दे दियो, ये रहा चित्र दे दीजिए भैया।